पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के राजनीतिक जीवन पर आधारित है फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। इस फिल्म के ट्रेलर रिलीज के साथ ही विवादों का सिलसिला भी शुरू हो गया है। एक ओर जहां कांग्रेस के युवा इस फिल्म की रिलीज से पहले देखने की मांग कर रहा है, वहीं बीजेपी ने इस फिल्म के ट्रेलर को कांग्रेस पर हमला बोलने का राजनीतिक हथियार बना लिया है। इसी प्रकार की अन्य खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आज की आवाज के साथ, और साथ ही हमारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। बता दें कि इस फिल्म को लेकर अब विवाद का माहौल और गहराता जा रहा है। यूथ कांग्रेस के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष सत्यजीत तांबे ने फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई और इसे रिलीज से पहले दिखाने की भी मांग की। यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री के मीडिया सलाहकार रहे संजय बारू द्वारा लिखी गयी इसी नाम की किताब पर आधारित है। इस फिल्म में मनमोहन सिंह के किरदार निभाया है अनुपम खेर ने और संजय बारू का किरदार अक्षय खन्ना ने निभाया है। इस फिल्म को कांग्रेस के खिलाफ सबसे बड़ा सियासी हथियार बताया जा रहा है। इसी प्रकार की अन्य खबरों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए आज की आवाज के साथ, और साथ ही हमारी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।